तशरीफ रखें, बैठ जाएं। ज़्यादा शुक्र है कि आज हम सर्दी में खुदा के घर में आए। तो आज का जो मेरा अरमान है वो भी चर्च आना क्यों जरूरी है। मेरे पीछे बोले, चर्च आना क्यों जरूरी है, चर्च आना क्यों जरूरी है। आज इसी तरह से हम सीखेंगे, बहुत सारी नई बातें आपको मिलेंगी। शुक्र है, थैंक गॉड के सोशल मीडिया का दौर है और इस चर्च में नहीं, ये प्लान रहेगा थ्रू आउट दुनिया में जाएगा। हालेलुया, इस चर्च में नहीं, ये प्लान नहीं रहेगा थ्रू आउट पूरी दुनिया में ये जाएगा। सोशल मीडिया के लिए खुदा का शुक्र गुजार आते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो प्लान है वो पूरी दुनिया में जाता है। तो खुदा का शुक्र है। बड़े गौर के साथ प्लान सुनना है, आप कसरत की जिंदगी पाएंगे और ब्रस्त होंगे जब आप चर्च से बाहर जाएंगे और खुदा के घर से बाहर जाएंगे। चर्च में आना क्यों जरूरी है, ग्रीक में कहते कॉल देम वंस, कॉल देम वंस, उन्हें एक करें, उन्हें एक करें। चर्च का मतलब है कि एक हो जाना, एक हो जाना। तो अखबार में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे। क्या करने में रहे, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ में क्या रहे, मशगूल रहे, यानी के लगे रहे। तो मेरे अजीजों, चर्च में आने के असूल होते हैं। बास लोग असूल भूल जाते हैं। असूल है कि चर्च में आगे बैठना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चर्च में आगे बैठना चाहिए और पीछे मत बैठे, फर्स्ट सीट लें। जब आप चर्च में आते हैं तो आगे बैठे, पीछे मत बैठे। कई लोगों की आदत की है कि वो चर्च में आगे बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन ये जिंदगी का असूल बना लें कि हमने चर्च में जाना है, अगर आगे सीट है तो हमने फ्रंट पर बैठना है। और चर्च में संजीदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संजीदा। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए चर्च में आकर, क्योंकि ये खुदा का घर होता है और चर्च में संजीदा बैठना चाहिए और दुआ में लगे रहना चाहिए। संजीदा बैठना और दुआ में लगे रहना चाहिए, जो गुफ्तगू है उससे परहेज करें। अगर कोई करता है उसको भी सिखाएं, उसको हिलाएं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, खुदा के बारे में हैं और बातें कर रहे हैं, हिलाएं उसको। क्योंकि हम जब चर्च में आते हैं तो हमें खुदा के हजूर आते हैं, किसी बंदे की प्रेजेंस में नहीं है, किसी बंदे की मौजूदगी में नहीं बैठे हम। हाँ, खुदा के घर में जब आते हैं तो ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। खुदा के घर में आना ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। जिस तरह अगर पौधे ले ले, एक पौधे को अंदर रखें, एक पौधे को धूप में रखें, जो धूप में पौधा होगा वो सरसब्ज होगा। इसी तरह जो खुदा की बातों में आते हैं वो हर एक तरह की मानद है।
है और आदमी नुकसानों से बचता है। रूहानी तरक्की होती है और आदमी क्या करता है, नुकसान से बच जाता है। तो मेरे शिष्यों, बोलने का तरीका आपका है, गीत गाने का तरीका आपका है और स्टेज पर मीटिंग प्रेजेंट करने का तरीका। अगर कोई सामने बैठा है वो इस केबल नहीं होता, वो इस काबल नहीं होता कि वो गीत गा सके, वो इस काबल नहीं होता कि आकर आगे मीटिंग प्रेजेंट कर सके। तो मेरे शिष्यों, स्टेज पर आने का, अपनी शख्सियत मनाने का चर्च एक जरिया है, चर्च एक जरिया है अपनी शख्सियत मनाने का और आगे आने का। तो मेरे शिष्यों, कई लोगों ने कहते हैं कि हम घर में ही बात कर लेते हैं, घर में दुआ कर लेते हैं, ये कैसे मुमकिन है? लोग भी तोड़ सकते हैं, शायर बानी में शामिल हो सकते हैं और कलाम में लिखा रफाकत हो सकती है। कोई जब अगर कारने का मेरा कारने से बना लिया, वो रफाकत नहीं रखता, सुनो से दलील नहीं पा सकता, रोटी नहीं तोड़ सकता, दुआ में मशगूल नहीं रह सकता। कई लोग समझते हैं जी हम कारने बच्चा पढ़ा रहे, नहीं, घर में बच्चा नहीं पढ़ा सकते, उसे यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उसे कॉलेज भेजते हैं, उसे एलिमेंट्री स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चा हम जोड़ियों के साथ रहकर इल्म हासिल कर सके। अगर आप घर में चर्च कर लेंगे, घर में बात कर लेंगे, आप भूखे और के साथ दुआ नहीं कर सकते, रफाकत नहीं रख सकते, पाक्षरात में शामिल नहीं हो सकते, रसूलों से तरीक नहीं पा सकते। जब हम चर्च में आते हैं एक दूसरे से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो चर्च में आना बहुत ही जरूरी है और अगर हम चर्च में नहीं आते, इससे हम एक दूसरे का एहतराम करना भूल जाते हैं। चर्च में आने से हम एक दूसरे का क्या करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं। तो मेरे शिशो, और एक बड़ी खास बात है, जो अपने आप को बड़े अमीर समझते हैं वो भी चर्च में एक ही साथ में खड़े होते हैं। जो अपने आप को कहते हैं हमारे पास वैल्थ बहुत है, जी दौलत बहुत आ गई है, और लेकिन जब वो खुदा के बारे में आते हैं तो एक ही साथ में खड़े हो जाते हैं और हाथ उठाकर खुदा यीशु के सामने क्या करते हैं, दुआ करते हैं। इसलिए हमें खुदा के बारे में आना बहुत ही जरूरी है। हम जब इकट्ठे होते हैं इससे हमें एक दूसरे का पता चल जाता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये जरूरतमंद है। इससे हम जरूरतमंद बहन भाइयों की क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्या करते हैं, जरूरतमंद बहन भाइयों की उनकी जरूरियात जिंदगी हमारे सामने आ जाती हैं कि ये बंदे को क्या है, जरूरत है। अगर वो घर में बैठा है तो फिर खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं तेरा रोब मांगकर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूंगा। रोब, खुदा का रोब कौन कौन मानता है? जब हम खुदा का रोब मानते हैं तो फिर हमें खुदा के दार में आना चाहिए। ये खुदा का रोब है हम पर,
क्योंकि वो क्या है, आसमान पर है और हम क्या हैं, जमीन पर हैं, हम खुदा का रोब मानकर उसके घर में आते हैं। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदा मैंने तेरा रोब माना, और ज़बूर 122 में कहता है, मैं खुश हुआ था तो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदा के घर चले। हालेलुया। वो कहता है खुशी के साथ मैं खुदा तेरे घर में आऊंगा, खुशी के साथ मैं तेरी बात करूंगा। हमें भी जब खुदा के घर में दावत मिलती है, हमें खुशी के साथ खुदा के घर में आना है, क्योंकि हम किसी आम बंदे से मुलाकात करने के लिए नहीं आते। अगर कहें पास्टर साहब से नो, किसी से मुलाकात करने के लिए आते। जब हम चर्च में आते हैं तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत के लिए आते हैं। उसका वादा है, जहां दो या तीन मेरे नाम में जमा है मैं उनके बीच में हूं। कहता है कि मैं तेरे घर का दरबान होना पसंद करता हूं। इतनी खुदा के घर को आनंद देता है, इतनी खुदा के घर को इज्जत देता है कि खुदा मैं तेरे घर का दरबान होना पसंद करता हूं। और मेरे शिष्यों, कहता है मैं तेरे घर की तरफ तीन मरतबा रुक करके क्या करता हूं, सजदा करता हूं। कितना ओबीडिएंट है खुदा का बंदा दाऊद और खुदा का बंदा दानियेल। वो कहता है मैं तेरे घर की तरफ रुक करके हस्बे ममूल, वो कहता है हस्बे ममूल दानियेल जो है वो खुदा की हैकल की तरफ रुक करके उसे क्या करता है, सजदा करता है। तो मेरे शिशु, हमें खुदा के दर में आना बहुत ही जरूरी है। एक और हवाला देखते हैं और बड़ा अच्छा हवाला है। लिखा है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बास ना आए। इमाम की किताब का हवाला है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। जिस कदर उस दिन को नजदीक होते देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। हालेलुया। और खुदा का अमल करे कि हमें ज्यादा खुदा के दार में आना चाहिए। जाओ, अगर कोई लैस आ रहा है, अगर कोई काम आ रहा है तो उसके लिए लम्हा सीख लिया है। वो खुदा के काम में इतना सारा क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैंने पहले बयान किया, अगर बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं भेजेंगे वो इलिटरेट होगा, वो पढ़ नहीं सकता। और खुदा का कलाम ये कहता है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इलम से खाली रहे। जब आप खुदा के घर में आते हैं, खुदा की बारगाह में आते हैं, तो मेरे शिशु आपका जो रूह है वो भर जाता है। और इससे हम कर सकते हैं, वी सर्व फॉर अदर, ऑनर फॉर अदर, हम दूसरे को इज्जत देते हैं और दूसरों की रहनुमाई करते हैं। चर्च में आने से हम क्या करते हैं, फेलोशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ, मेल मिलाप रखते हैं। अगर घर में बात करें तो हम मेल मिलाप नहीं रख सकते। तो जो चर्च घर में बना लेते हैं, घर में बात करते हैं, वो फेलोशिप से खाली रह जाते हैं, वो फेलोशिप नहीं कर सकते। तो मेरे शिशु, हमें
जब खुदा के घर में आएंगे तो फिर हम क्या रखेंगे, फेलोशिप रखेंगे। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है 27 में, मैंने खुदा से दरखास्त की है, मैं उसी का तालब रहूंगा। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने एक दरखास्त की है, मैं उसी का क्या रहूंगा, तालब रहूंगा कि मैं उम्र पर खुदा के घर में रहूं। हालेलुया, एक रिक्वेस्ट है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा मैंने एक दरखास्त की है कि तेरे घर का तालब रहूं, मैं उम्र भर, एक दो दिन की बात नहीं। वो कहता है मैं उम्र भर खुदा तेरे घर में रहूं ताकि खुदा के जमाल को देखूं, खुदा के जमाल को क्या करूं, देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। तो मेरे शिष्यों, हमें भी दाऊद की तरह दरखास्त रखनी, खुदा मैं तेरे घर में जाया करूंगा, मैं जमा होने से बाज नहीं आऊंगा, मैं रोटी तोड़ने से बाज नहीं आऊंगा, मैं दुआ में मशगूल रहूंगा। तो मेरे शिष्यों, जब हम ऐसा करेंगे तो हम रूहानी जिस्मानी तरक्की हासिल करेंगे, रूहानी तरक्की भी होगी और जिस्मानी तरक्की भी होगी। रूहानी तरबियत होगी, तरीम में तब्दीली आएगी, गुरूर घमंड खत्म हो जाता है। जब हम खुदा के घर में आते हैं, गुरूर घमंड जो है वो खत्म हो जाता है और हम एक दूसरे के गुनाह भी माफ कर देते हैं। क्यों? हमें नसीहत होती है कि हम मैं खुदा के घर में जा रहा हूं और मेरे दिल में बनी है मैं खुदा के घर में जा रहा हूं, मैं पाक्षकार में जा रहा हूं, लेकिन मैंने भाई से सुनाने की और वो अपने गुनाहों का क्या करता है, इकरार करता है और फिर खुदा के घर में आता है। ये हुक्मे खुदा बनती है, खुदा के घर में आना, चर्च में आना, ये हुक्मे खुदा बनती है। ये मेरा कलाम नहीं है जो मैं यहां मिंबर से सुना रहा हूं, ये खुदा का कलाम है। खुदा कहता है कि जमा होने से बाज ना आओ, और इसमें कलीसिया की होती है, तरक्की होती है और खुदा के घर में है। मेरे शिशु, फराउन बहुत सख्त था, बनी इसराइल को धाने की दावत नहीं देता था। बड़े गौर के साथ काम सुनना है, 10 रातों के बाद फराउन मजबूर हो गया। फराउन क्या हो गया? मजबूर हो गया। उसने अपने लोगों को इबादत के लिए जन्म दिया। आपके ऊपर कौन सा फराउन है जो आपको इबादत करने से रोकता है? तो सोचे, मेरे ऊपर कौन सा फराउन है, मेरे सर पर कौन सा फराउन सवार हो गया है जो मुझे इबादत करने से रोकता है? उस फराउन को अपने सर से उतारे और हैलेलुया का नारा मारे, खुदा यीशु को कहें, खुदा यीशु तू फाते है और मैं भी अबलीस पर तेरे नाम से फतह पाता हूं, मैं तेरे से दूर हो जाता हूं। मेरे शिशु, हम बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, आप बुरे हो जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, आपकी हाजिरी यहां बहुत ही जरूरी है, खुदा के घर में आना बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा के घर में आएंगे तो फिर आप खुदा के बंदा दाऊद की तरह कहें,
से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे क्या है, साथ है। हमने खुदा के घर में आना है और ये वालदैन का फर्ज है। इट इज ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। संडे स्कूल में भेजे बच्चे आयात याद करेंगे, बच्चे खुद नहीं आते। वालदैन को चाहिए कि वो संडे स्कूल बच्चों को भेजे और वालदैन का फर्ज है कि जब वो चर्च आते हैं तो अपने बच्चों को बीवी को भी चर्च लेकर आए। हाथ में बाइबल जरूर होना भी बहुत ही जरूरी है। जब आप खुदा के घर में आते हैं और एक बात और बताऊं कि जो ऑफरिंग है, जो चंदा है, उसको भी जेब में डालकर आना चाहिए। चर्च में चंदा भी नहीं मांगना चाहिए। ये तैयारी करनी चाहिए कि जब मैं खुदा के घर में आऊं, मेरे पास बाइबल है, मेरे पास की किताब है, जो ऑफरिंग है जो मैंने खुदा के घर में खुदा को हदिया देना, वो हदिया कैसा है। ऐसे नहीं आ जाते। खुदा के घर में यशायाह कहता है, जब तू खुदा के घर में दाखिल हो तो बड़ी सजीदगी के साथ कदम रख। तो हमें खुदा के घर में जाना है, अपनी बाइबल जी की किताब अपना हदिया भी शाम को ही रख देना है। ये बहुत जरूरी है। कहने को तो आम सी बातें हैं लेकिन इससे हमारी रूहानी तरक्की होती है। तो मेरे शिष्यों, हमने वालदैन का वालदैन पहले चर्च आएंगे तो फिर बच्चे आएंगे। वालदैन चर्च आएंगे तो फिर बच्चे चर्च आएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं ये वालदैन से सीखते हैं, ये वालदैन से क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर वालदैन चंदा डालेंगे बच्चे चंदा डालेंगे, वालदैन चर्च आएंगे बच्चे चर्च आएंगे, वालदैन बाइबल लेकर आएंगे बच्चे बाइबल लेकर आएंगे। ये वालदैन की ड्यूटी है। इसकी बात कुछ जो है वालदैन से होगी। वेयर इज योर चाइल्ड? आपके बच्चे कहां है? संडे वेयर इज योर चाइल्ड? खुदा पूछेगा तू चर्च आया, तेरे बच्चे चर्च क्यों नहीं आए? हम दूसरे मौकों पर तो बच्चों को बड़ी तरजीह देते हैं, चांदी दिए तू भी जाना है, चार पुतला तू भी जाना है। तो हम खुदा के घर में बच्चों को क्यों नहीं लाते? ये वालदैन का फर्ज है। खुदा आपसे पूछेगा, तू खुद बात करता रहा, तेरी बच्ची की बात क्यों नहीं करती? तू खुद बात करता रहा, तेरा बच्चा बात क्यों नहीं करता रहा? तू खुद बाइबल पढ़ता रहा, तेरा बच्चा बाइबल क्यों नहीं पढ़ता रहा? ये आपका फर्ज है। जो नीले वालदैन के बच्चे भी पढ़ते, जो नीले वालदैन के बच्चे भी आज भी नहीं कर सकते, जो नीले वालदैन के बच्चे एजुकेट नहीं हो सकते, जो नीले वालदैन हैं उनके बच्चे चर्च नहीं आएंगे। मेरे मिशाला में गुजरा है, अजैम किया, जो फैमिलियां चर्च ज्यादा आती थी वो दुनिया में कामयाब थी। हालेलुया। जो बच्चे जो वालदैन चर्च आते थे उनके बच्चे बहुत कामयाब हुए। खुदा का वादा, तू मेरी बात करेगा, मैं तेरी रोटी पानी पत्री बरकत दूंगा और तेरी रात मुबारक होगी, तेरा सब कुछ मुबारक होगा। तो आप चर्च आए, बच्चों को चर्च लाए और जमा होने से पास ना आए, रोटी तोड़ने से पास ना आए। खुदा के वसीले आपको